हेलो गाइस, वंस अगेन मैं आ गया हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। और आज हम जा रहे हैं बहन को लेने के लिए गुवाहाटी। सुबह सुबह उठे थे तो ज़्यादा ठीक तो नहीं लग रहा, बस अब थोड़ा सा नींद भी लग रहा है और ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, फिर भी बना रहे हैं। चलो, काफ़ी दिन हो चुका है ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो सो लेट्स गो। अभी पेट्रोल भरा रहे हैं, अब आगे का दिखाते हैं आपको नज़ारा। अब हम आ चुके हैं ढेकियाजुली टाउन। जो ढेकियाजुली से है या फिर आसपास के इलाके से हैं तो उनको खूब अच्छे तरीके से ये नज़ारा वाकिफ होगा। हम पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं देखने में थोड़ा सा फ्रेशअप हो गया जैसा फील हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ और अच्छा सा अपना फेस दिखा रहा, नहीं तो नहीं दिखाना था। लेट्स गो, बाय। मम्मी और मैं, और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। खाना तो देखते हैं क्या खाते हैं। ये है नगर गुवाहाटी से, जो भी तेजपुर से गुवाहाटी जाता है तो वो रिलेट कर सकते हैं। लेट्स गो। दाम तो छा किंतु मिठाई नहीं खाया। सोच रहे मिठाई खाने के लिए मम्मी को बोला है। ये पैकिंग मैं तो कैसे मैं सोचूं सही ओ माँ तो बोले की कर दिन वहाँ राम देखें ना खाने में क्या खाया आपको नहीं दिखाया, भूल गया था वैसे तो। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने का मेरा कुछ मन नहीं था, बट फिर भी मैंने बना लिया बिकॉज ऑफ मैंने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया था, सो इसीलिए। अब हम आ चुके हैं गुवाहाटी, ये देख सकते हैं पहाड़ों से भरा हुआ है हमारा गुवाहाटी। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, हरियाली ही हरियाली है, जैसे मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूँ, फिर से इस बार कह रहा हूँ कि हरियाली ही हरियाली मेरे वीडियो में है। गुवाहाटी हम पहुँच चुके हैं। ये है हमारा सरायघाट ब्रिज, SMS में दलंग। यहाँ से एक कामाख्या मंदिर भी दिखता है, नीलाचल पहाड़। लेट्स गो, दिखाते हैं आपको। वो रहा जो बीच में आपको दूर से दिख रहा है, अभी मैंने जूम कर दिया, देख सकते हैं ये है नीलाचल पहाड़। यहाँ पर है माँ कामाख्या का मंदिर। ये रहा हमारा सरायघाट ब्रिज। अब हम गुवाहाटी एंटर कर चुके हैं, समझ लीजिए। लेट्स गो। ऐसे आज बहुत ही अच्छा मौसम था, सुहाना मौसम था कह सकते हैं, और बाहर इतना धूप नहीं था। हालांकि पिछले समय जैसे धूप गुवाहाटी में दे रहा था, उस तरीके का धूप आज था नहीं, उस तरीके का आज गर्मी था नहीं। हमें गाड़ी में बैठ के बाहर का जो ठंडा हवा बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस हो रहा था, और ये नदी के सामने का हवा और भी अच्छा लगता है। गाइज, आप रिलेट कर सकते हैं ये सामने का नज़ारा देख के, गुवाहाटी के लोग या फिर गुवाहाटी से जो गुजर चुके हैं और मतलब कि आ चुके हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छा आज का मौसम था हम जब गुवाहाटी में थे, और बारिश भी हुआ था, मतलब कि मौसम तो आपको लाजवाब था। मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए, बादलों ने पूरी तरीके से गुवाहाटी को घेर लिया था और सामने पहाड़ ही पहाड़ आप देख सकते हैं। किस अच्छे तरीके का नज़ारा, ये
रास्ते और ऊपर आपका काला बादल और सामने पहाड़। ये रास्ता इतना अच्छा लग रहा था हमें, बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब कि मैं कह नहीं सकता। ऊपर से मैं सोच ही रहा था, प्रे कर रहा था कि बारिश हो जाए इसमें और मज़ा आ जाएगा, तो लो देखो भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी और वीडियो और अच्छा बना दिया। ऊपर से एक दो बूंद बारिश गिरने लगी, जैसे आप देख सकते हैं कैमरा में, और बारिश भी इस तरीके का यहाँ पर हो रहा मैं कह नहीं सकता। अभी यहाँ पर बारिश बहुत ज़ोर से दे रहा था, कुछ ही रास्ते में जाने के बाद, कुछ ही दूर जाने के बाद वहाँ बारिश ही नहीं है। सो मज़ा ही आ गया देखने का। ये मतलब कि सारा ईश्वर का खेल है, मतलब कि आधे जगह में बारिश और आधे जगह में बारिश नहीं। सो दिस इज़ व्हाट गुवाहाटी इज़। ये मत समझिएगा कि अभी यहाँ से बारिश पानी निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। कार से हमने नहीं निकाला, वो एक्चुअल में ऊपर से बस साफ़ करने के लिए था, बट एक्चुअल में ये देखिए रियलिटी, बारिश गिर रहा है किस तरीके से, और मज़ा आ गया वीडियो बना के। तो सो बने रहे। सो गाइज, अब बहन को लेके आ चुके हैं और सारा सामान हमने डिक्की में डाला, कुछ नहीं हटा तो यहाँ पर हमने रख दिया। और 16 इयर्स रही है, काफ़ी समय रही है, तो सामान थोड़ा ज़्यादा होगा ही। सो और थोड़ी सी सैड है, तो थोड़ा मजाक कर रहा था, तो रो रही का एक्टिंग कर रहा था मैं, और हमने सामान डालते हुए दिखाया नहीं। सो बस उसके लिए थोड़ा सा खेद है, भूल गया था वैसे सामान उठाते उठाते। सो और मैं अब उसको थोड़ा बहुत चिढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बस मैं उससे एक्सपीरियंस पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग खाने के लिए गुस्से हैं, देख सकते हैं। सो अभी हम लोग खाने के लिए गुस्से हैं और हम लोग खाना इधर आएगा, अभी हम लोग ऑर्डर दे चुका है। So guys, खाना हमारा आ चुका है, ऑमलेट, दाल फ्राई और बटर रोटी, और हल्का सा लिया था बिकॉज घर में जाके खाएंगे। सो वीडियो अब यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।